12th, and we have just read the introduction of the chapter in previous class, that what are solids, what are its properties, क्यों solids को पढ़ा जाता है, क्यों अपनी life में solids इतने important है, and there are two classification of the solids based on arrangement of particles, crystalline solid or amorphous solid. ये हम complete कर चुके हैं previous class में, so let's start our class with a new topic today, that is ये हमने देख लिया है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं एंड अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक दैट कम्स इन अ माइंड, मैंने आपको कल एक प्रॉपर्टी बताई थी दैट अमॉर्फस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एंड क्रिस्टलाइन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. तो एक क्वेश्चन वहां से अराइज होता है दैट व्हाई द ग्लास पेन्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग are thicker at the bottom than at the top. मतलब पुरानी बिल्डिंग की जब हम ग्लास पेन्स देखते हैं तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि नीचे से वो थोड़े ग्लास पेन थिकर है लेकिन ऊपर से थिन है, उसका क्या रीजन है? दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू सॉलिड्स ओनली. ठीक है, इंटरेस्टिंग. सो वॉट हैपन्स हियर कि amorphous solid की एक property होती है बच्चों की amorphous solid has a tendency to flow. वो flow करने की tendency रखता है, मतलब कभी कभार जैसे we have said that amorphous solids are false solids, वो true solids नहीं होते, pseudo solids होते हैं. So they sometimes act as liquids and they have a tendency to flow. So answer is this only, as glass is an amorphous solid, so we know amorphous solid has tendency to flow. तो उस ग्लास की क्या टेंडेंसी होती है? फ्लो करने की. तो जब फ्लो करेगा लिक्विड के जैसे तो ऊपर से नीचे ही तो जाता है ना ग्रेविटी के अकॉर्डिंग. तो जैसे ही फ्लो करेगा तो ग्लास नीचे से तो मोटा होता जाता है, थिक हो जाता है एंड ऊपर से थिन रह जाता है. ये बहुत एक स्लो प्रोसेस है, सो हमें डेली टू डेली लाइफ में भी आर अनेबल टू सी. बट अगर हम पुरानी बिल्डिंग्स, इसलिए मेंशन किया कि बहुत पुरानी बिल्डिंग्स देखें तो वहां यूजुअली विद अ लॉन्ग टाइम एंड द प्रोसेस गोज ऑन, उससे ऐसा देखा गया कि धीरे धीरे ये चेंजेस ऑब्जर्व किए गए. सो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो, होपफुली इट हेल्प्स यू. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज दैट these crystalline solids, two category we have read, crystalline solid and amorphous solids. Crystalline solids are divided into further categories. Let us see. Crystalline solids ही तो true solids होते हैं, तो इनकी आगे categorization देखते हैं. पहला category जिसमें crystalline solids divided है is molecular solids. The other category in which crystalline solids are divided is ionic solids. Next is metallic solids. Next is covalent or network solids. ठीक है, तो ये कुछ categories है crystalline solids की. चार तरीके के होते हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट. एक बात केमिस्ट्री की बहुत इंटरेस्टिंग है दैट नेम से ही चीजें काफी क्लियर हो जाती हैं. ठीक है, अगर आपको नेम का जो वर्ड है उसका अगर प्रॉपर मीनिंग पता होता है तो आप इजीली बता सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है. तो पहले हम इस कैटेगरी की बात करेंगे, यहां तक आप नोट डाउन कर लो. इस कैटेगरी की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी होते हैं तीन तरीके के, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड. टॉप
फर्स्टली पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए बच्चों की, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स होंगे। अब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, तो पोलर मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। पोलर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। पोलर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन मॉलिक्यूल्स में दो जो एटम्स है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, एक एटम अपनी तरफ दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा। जैसे कि हम बात करते हैं विद एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ H2O। इन H2O व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट मींस मोर पावरफुल देन हाइड्रोजन। सो व्हाट इट विल ट्राई टू डू, इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो हमें यह भी पता है कि जब किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो वो रिच होता जाता है। रिच का मतलब उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एंड हाइड्रोजन से छिन के इलेक्ट्रॉन जाए जा रहे हैं तो उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो एनी मॉलिक्यूल विच इज हैविंग, इन विच द एटम्स आर हैविंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वो मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं। और एक एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो अपनी तरफ खींच के ले जाता है इलेक्ट्रॉन्स को। सो दिस वाज अबाउट पोलर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। एग्जांपल है HF, ठीक है, आपका H2O, SO2, ये आप एग्जांपल्स कंसिडर कर सकते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। NH3 भी लिख लो, ठीक है। So now let us, if you want to note it down, you can pause the video in between and you can note it down. Let us talk about non-polar molecular solids. The very basic thing is constant particles क्या होंगे? Obviously molecules होंगे क्योंकि वही categorization हम पढ़ रहे हैं। Non-polar means dipole moment zero. Electronegativity का difference नहीं होगा। इन लोगों में आपस में बहुत प्यार मोहब्बत होती है, दैट दे विल बी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, दे विल नॉट बी खींचतानी नहीं। जैसे पोलर में क्या हो रहा था, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर दैट एटम वाज अट्रैक्टिंग द अदर इलेक्ट्रॉन्स एटम आल्सो, ठीक है, वो दूसरे एटम के भी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश कर रहा था कहीं ना कहीं। तो अपन को ये नहीं करना। अब नॉन पोलर में क्या कंडीशन है कि नॉन पोलर में देयर इज अ स्मूथ एनवायरनमेंट, प्रॉपर शेयरिंग होती है कि चलो ठीक है अपन मिल बांट के खा लेते हैं, आप भी थोड़ा सा ले लो मैं भी थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता हूँ, तो हम दोनों प्रॉपर हमारा बैलेंस मेंटेन रह पाएगा। तो डायपोल मोमेंट इनका होता है जीरो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो ट्रांसफर, ओनली शेयरिंग, वो होते हैं नॉन पोलर, इनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। जैसे एग्जांपल है BF3 को आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ शेयरिंग होती है तो ये सारा डायपोल मोमेंट निल इफेक्ट हो जाता है, डायपोल मोमेंट हो जाता है जीरो। सिमिलरली वी टॉक अबाउट जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है ना सबका डायपोल मोमेंट जीरो, जैसे H2, I2, Cl2, मैं रिप्रेजेंट भी करके दिखा देती हूँ, ये सब नॉन पोलर है। एग्जाम्पल और देख लेते हैं CCl4, ऑल दीज विल बी हैविंग जीरो डायपोल मोमेंट एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरीके का एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलता है। अंडरस्टूड? ओके, लेट्स प्रोसीड। वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर, किसी ने ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आया कि मैम इसमें कौन सा फोर्सेस इन्वॉल्व है और नॉन पोलर में कौन सा फोर्सेस इन्वॉल्व है। तो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स की जब हम बात करते हैं तो फोर्सेज इन्वॉल्व आर डायपोल फोर्सेज, क्योंकि डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है ना, तो डायपोल फोर्सेज इन्वॉल्व होती है विच इज वेरी स्ट्रांग। तो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड जो इनके बीच में बॉन्डिंग काफी अच्छी होती है। इफ यू टॉक अबाउट नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स,
इनको कौन सा फोर्स, डायपोल मोमेंट तो जीरो हो गया तो डायपोल वाला फोर्स तो लगेगा ही नहीं, कौन सा फोर्स होगा इनको जो चलाता है वो कौन सा फोर्स होता है, लंदन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। अब बात करते हैं लंदन फोर्सेस क्या होते हैं, क्लास इलेवेंथ में वैसे तो पढ़कर आए हो लेकिन नो प्रॉब्लम, लेट अस स्टडी हियर ऑल्सो। लंदन फोर्सेस आर द फोर्सेस, लेट सपोज यहाँ पर ये कोई एटम का ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी इस एटम का पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो कहीं से भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि यहाँ इसका घूम फिर के यहाँ इसका सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यहाँ दूसरे वाले एटम में देखा तो सारा नेगेटिव इसका यहाँ इकट्ठा हो गया, और समहाउ ये पास में आ गए तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो गया, तो वो कौन सा अट्रैक्शन है, लंदन फोर्सेस अट्रैक्शन है। बट ये अट्रैक्शन कोई स्ट्रांग नहीं होता, दिस इज अ वीक अट्रैक्शन, लंदन फोर्सेस वीक होते हैं, तो दिस इज अ वीक अट्रैक्शन, इस फोर्स को अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं होता। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कौन सा फोर्स है ड्राइविंग फोर्स, लंदन फोर्सेस विच इज वीक इन नेचर। आई एम रबिंग, लेट अस प्रोसीड। थर्ड कैटेगरी क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नाउ द ऑब्वियस थिंग इज कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स विल बी मॉलिक्यूल्स, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसमें, मतलब मॉलिक्यूल में एक ना एक एटम तो भाई हाइड्रोजन होगा ही होगा, दूसरा कोई और हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप हो हाइड्रोजन और दूसरे एटम के बीच में, तो होगा क्या, जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ H2O। तो जब हम H2O का एग्जांपल लेते हैं तो इसमें क्या होता है, देखो तरीके से ये बॉन्ड्स बनाता है, ये और आगे जाकर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज अ स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज देयर, ऑक्सीजन हैज अ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो इस तरीके से आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप शो करेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हुए ये काफी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नो, दीज आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री आयंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यहाँ कोई भी फ्री आयंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर, यहाँ पे भी चार्जेस उस हिसाब से आएंगे ऑब्वियसली, ये पूरा एक केज बन जाता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स वाटर के जुड़ जुड़ के एक बड़ा केज बन जाता है, काफी एक्सटेंडेड है ये नेटवर्क है ये पूरा। ओके, आई गेस वी हैव कंप्लीटेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड इट इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ, लेट अस स्टडी अबाउट आयोनिक सॉलिड्स। अब बात करते हैं आयोनिक सॉलिड्स की, एज द नेम सजेस्ट कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स विल बी आयंस, आयंस होंगे इसकी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, ये जितने भी इनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी होगी, आयोनिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग। अब होती क्या है, आयोनिक बॉन्डिंग इज अ शेयरिंग और अ ट्रांसफर, सो आयोनिक बॉन्डिंग इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनमें कोई शेयरिंग नहीं होती, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही बात है जो ज्यादा रिच है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा,
दूसरा वाला थोड़ा सा पुअर रह जाएगा। शेयरिंग की टेंडेंसी नहीं होती आयनिक सॉलिड्स की, दे आर नॉट फ्रेंडली इन नेचर। सो ट्रांसफर होगा, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आपका फिजिक्स वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आयन्स में चार्ज डेवलप होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव किसके पास होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन छिन जाएंगे, नेगेटिव किसके पास होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, ज्यादा अमीर हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं आयनिक बॉन्डिंग के। और आयनिक सॉलिड्स के बारे में हमने और देखा कि कैसे क्या होता है, तो दीज आर हार्ड एंड ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है फटाक से टूट जाते हैं, ऐसे टूट जाएंगे, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। अब आप पूछोगे मैम अभी तो आपने थोड़ी देर पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बताया था कि फ्री आयन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो तो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे तो नाम ही आयनिक बॉन्डिंग है, आयन्स है, व्हाई दे आर अनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो द रीजन इज कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री आयन्स होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इन दिस आयनिक सॉलिड आयन्स आर नॉट फ्री, फ्री होना बहुत जरूरी है। सो हियर आयन्स आर नॉट फ्री, दैट इज वाई इट इज एन इंसुलेटर। अगर बात करें कि इन आयनिक सॉलिड को हम एक्वस स्टेट में ले लें या मोल्टन स्टेट में ले लें, तो दे कैन बिहेव एज कंडक्टर, क्योंकि एक्वस स्टेट में आयन टूट जाते हैं ना, पॉजिटिव में नेगेटिव में टूट जाते हैं, टूट जाएंगे तो अब वो फ्री है, फ्री आयन्स है, नाउ दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो दे कैन एक्ट एज कंडक्टर्स इन एक्वस और मॉल्टन स्टेट। ठीक है, एग्जाम्पल जितने में भी आयनिक बॉन्डिंग होती है सारे एग्जाम्पल इलेवेंथ में पढ़कर आए होंगे, ZnS, MgO और कोई भी एग्जाम्पल जो आप लेना चाहें, सारे आयनिक बॉन्डिंग के एग्जाम्पल इसमें होते हैं, मैंने एटसेट्रा ले लिया। ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर, यू कैन पॉज द वीडियो इन बिटवीन एंड यू कैन नोट डाउन इट। बात करते हैं मेटालिक सॉलिड्स की, तो बच्चों मेटालिक सॉलिड्स क्या होंगे, कॉन्स्टेंट पार्टिकल विल बी मेटल्स, और मेटल्स के बारे में तो कहा ही जाता है, मेटल में तो बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे आसानी से, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे मेटल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें प्रेजेंट, दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और मेटल्स की प्रॉपर्टी मतलब लस्टर होगा, शाइनी होंगे, शाइनी। और क्या क्या होता है छोटी क्लास में पढ़ा होगा, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी वो भी होगी, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ मेटेलिक सॉलिड, एग्जाम्पल सारे मेटल्स, ऑल मेटल्स, AU, AG, CU, सारे तरीके के मेटल्स इसमें आ जाएंगे आपके मेटेलिक सॉलिड्स में। Note it down. You can pause the video in between and note it down. I hope it is clear to you. Now let us talk about covalent solids, जिनका नाम है network solids भी नाम है इनका. What is the other name? Network solids. So constituent particles कौन होंगे? Constituent particles के बीच में will have covalent bonding, covalent bonding. Ionic bonding, तो what ionic bonding is? Transfer of electron, covalent होता है sharing of electron. Sharing of electron. That means they are friendly in nature, they can share the electrons. कि चलो ठीक है थोड़ा सा खाना अपने पास है, आप थोड़ा सा खा लो, मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ, and we will be sharing the electrons. So in this way
कोवेलेंट सॉलिड में इस तरीके का शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाता है। ये जायंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जायंट मॉलिक्यूल और नेटवर्क्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, नेटवर्क बना हुआ होता है कोई इतना ज्यादा। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग में कोवेलेंट सॉलिड्स में देखने को मिलेंगे। इनका जायंट मॉलिक्यूल होता है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड देन दीज आर इंसुलेटर्स, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज वर अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट्स वेरियस कैटेगरीज, सारा आई गेस ऑल द फोर कैटेगरीज एंड उसकी सब डिविजन आर वेरी